एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722215। सिवान में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने कर्मी के पिटाई के विरोध में यातायात पुलिस के खिलाफ जमकर बवाल काटा है। भारी संख्या में सफाई कर्मी यातायात थाना पहुंच जमकर हंगामा किए हैं। सफाई कर्मियों ने कचरे का सफाई करने के दौरान यातायात पुलिस पर जेसीबी ड्राइवर और सफाई कर्मी को पीटने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी के द्वारा माफ़ी मांगने पर मामला शांत हुआ। घटना नगर थाना क्षेत्र के बीएल दास मोड़ की है। बताया जा रहा है कि जबकि नगर परिषद के सफाई कर्मी जेसीबी लेकर बीएल दास मोड़ पर देरी से सफाई करने पहुंचे थे, तभी मौके पर मौजूद यातायात पुलिस ने जेसीबी ड्राइवर और सफाई कर्मी की जमकर पिटाई कर दी, ऐसा बात सामने आया है। यातायात थाना लेकर चले गए। इसकी सूचना जैसे ही नगर परिषद के कर्मियों को लगी, सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए और थाने पर पहुँच गए और यातायात थाना पहुंचकर जमकर बवाल काटा। जहां सफाई कर्मियों ने जमकर बवाल काटा, वहीं मामले को बढ़ता देख आरोपित पुलिसकर्मी ने पीड़ित से माफ़ी मांग ली, जिसके बाद मामला शांत हुआ। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि नगर पर जो नगर क्षेत्र के ट्रैफिक इंचार्ज थे, वहाँ उनके कांस्टेबल रहे, उनके द्वारा बीएल दास हमारे कर्मचारी वहाँ के कचरा उठा रहे थे और देर से उठाने का कारण ना पूछे वो, और दबातों पटक के मारने लगे और उनको घसीटते हुए गाड़ी में बैठा के और थाने में लाया गया। सिवान की जनता को हम बता दें कि हमारे नगर परिषद के में नगर परिषद का कचरा गिराने हेतु नगर पालिका के पास ना कोई अपना निजी जमीन है, ना कोई नेता मुहैया कराता है, ना एमपी विधायक, ना एमएलसी। ये सिवान सबका है और यहाँ पे किसी के द्वारा जमीन मुहैया नहीं कराया जाता है। यहाँ के ड्राइवर लोग अपने से जमीन मुहैया करा के और वहाँ गिराते हैं, जहाँ तहाँ व्यवस्था करते हैं। ये लोग आज सुबह में कचरा गिराने के लिए जगह कहीं नहीं था और ये लोग अपने से खोज के 1 बजे आए तो 2 बजे कचरा गिराने का काम चालू किया। कुछ कचरा सुबह में उठ गया था, कुछ जगह न होने के कारण उठ रहा था, तो इनके द्वारा तवा तोड़ पटक के मारा गया और लाया गया थाना में। उनका मोबाइल वोबाइल जो भी था पकड़ में छीन लिया गया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा था कि गलत हो रहा है, ये सारी जानकारी हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को देते हैं। अगर लगता है कि उनको कार्रवाई करना चाहिए, हमारे कर्मचारी दोषी है तो कार्रवाई करते हैं।
ये कौन होते हैं उनको मारने पीटने वाले, मैंने बेरहमी से मारा गया था, उसी के विरोध में सारे कर्मचारी आज ट्रैफिक पुलिस थाने पे आए थे कि भाई हमारे कर्मचारी को क्यों बैठा के रखा गया। तो इनके द्वारा, इनके कांस्टेबल के द्वारा माफी मांगा गया, बोला गया कि हाँ हमसे गलती हुआ है, मारना पीटना नहीं चाहिए था। अगर लग रहा है कि अगर देर से उठ रहा है तो घटना की जानकारी लेनी चाहिए क्यों देर से उठ रहा है। सिवान की जनता को हम बता दें कि नगर पालिका के पास अपना जमीन नहीं है, ये ड्राइवर ही, नगर परिषद के ड्राइवर ही कहाँ जहाँ तहाँ जमीन खोज के कचरा गिराने का काम करते हैं। और कभी कभी जो स्थानीय नेता है, वार्ड पार्षद है, या चेयरमैन के या वाइस चेयरमैन के लोग अपने हैं, वो दे देते हैं तो गिर जाता है, नहीं तो नगर पालिका के पास अपना जमीन नहीं है। अगर सिवान को साफ सुथरा करना है तो सभी लोग मिल के जगह मुहैया करें और समय निर्धारित हो। यहाँ तो समय नहीं है, हम लोग खुद 8 बजे कचरा फेंकते हैं तो कर्मचारी कितना बजे कचरा उठाएंगे? आगे का कदम क्या होगा? देखिए हम लोग आवेदन लिख के दे दे रहे हैं क्योंकि ऐसा घटना फिर ना हो, क्योंकि किसी के साथ मारपीट करना किसी कर्मचारी के साथ, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी ही पूरे शहर के कचरा उठाने का काम करे, नरक को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं, और उन्हीं को पीटा जा रहा है। कभी नेताओं के द्वारा पीटा जा रहा है, कभी अधिकारियों के द्वारा पीटा जा रहा है, कभी प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। कर्मचारी का नाम क्या है जिनको पीटा गया? जिनको एक नंदी यादव थे, जेसीबी ऑपरेटर थे, एक विजय रावत हैं जिनको जो वहाँ पे सुपरवाइजर के रूप में थे, उनको मारा पीटा गया और ला के थाने में बैठाया गया था। हुआ था आपके साथ? अरे हम वहाँ पर बिनवल जहाँ पर कूड़ा गिरा था और वहाँ पर कूड़ा बंद कर दिया था, हम 12 बजे और वहाँ पर गए हैं, उसको मामला को रफा दफा किए हैं, वहाँ से आए हैं तो भाई बी एल दास में जाम लगा हुआ था, हम सफाई करा रहे थे। ये अजीत कुमार हैं एक तो सिपाही, हमको कालर धर कर उठाकर गाड़ी में बैठा लिए हैं, मारे भी हैं हमको दो जहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा बी एल राउत नाम है, नगर परिषद कर्मी जी, नगर परिषद के कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर हैं।